देश में बड़े सुनियोजित झूठ फैलाए जाते हैं। एक झूठ पूरे सोशल मीडिया में चल रहा है, मेन स्ट्रीम के मीडिया ने भी उस झूठ को खूब प्रचारित और प्रसारित किया है। और दुख की बात यह है कि 90% लोगों ने, मैं यूं कहूं कि 100% लोगों ने उसको उसके ऊपर विश्वास किया है। यह झूठ फैलाया जा रहा है कि 1962 के भारत चीन के युद्ध में हैदराबाद के नवाब ने 5,000 किलो, माना 5 टन सोना भारत सरकार के रक्षा कोष में दान दिया। और फिर उसके साथ एक फोटो शेयर की जाती है कि लाल बहादुर शास्त्री हाथ जोड़े हुए मीर उस्मान के सामने खड़े हुए हैं, दोनों आपस में एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया में खूब प्रचलित और प्रचारित किया जाता है कि 5 टन सोना दान देने वाला। 5 टन सोने की यदि हम कीमत की बात करें तो 1500 करोड़ होती है। तो ये कहते हैं कि इतिहास का पूरे भारत का सबसे बड़ा दानदाता हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद के निजाम के बारे में कसीदे पढ़े जाते हैं। हैदराबाद के निजाम के बारे में आज सच जानेंगे। सरदार पटेल ने कैसे हैदराबाद को मुक्त करवाया था, 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद को मुक्त करवाया था। और ये जो झूठ चल रहा है, इस झूठ का कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग शेयर कर रहे हैं बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे। और ये दिखा रहे हैं कि इस भारत के निर्माण में पता नहीं हैदराबाद के निजाम का कितना बड़ा योगदान रहा है। हैदराबाद के निजाम का पहला झूठ तो यही इस खबर का कि 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री नहीं थे। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने कहना शुरू किया तो 1965 में उन्होंने दान किया था। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, ताशकंद का समझौता हुआ, शास्त्री जी ने लोगों को दान करने के लिए कहा। जब विदेशों से गेहूं नहीं आया तो उन्होंने उपवास करने के लिए कहा। पूरी सेना, पूरा देश शास्त्री जी के सामने खड़ा हुआ, पाकिस्तान को हराया गया। और उसमें उस समय जब देश में एक आपातकाल के हालात थे, तो उस समय वहां पर एक स्कीम लाई गई थी। उस स्कीम का नाम था भारत रक्षा स्वर्ण योजना। उस स्वर्ण योजना में कोई यदि सोना रखे, गिरवी रखे, सरकार में जमा करे तो उसको 6.5% का इंटरेस्ट मिलता है। तो उस भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद उस निजाम ने 1 रुपया भी, 1 ग्राम सोना भी दान का नहीं दिया था। क्या किया था, पहले निजाम के बारे में जान लें। ये जो निजाम है हैदराबाद का, इसका जो क्षेत्रफल था इसकी रियासत का, वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों को मिला दिया जाए तो उसके बराबर बनता है। 2,39,000 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया था। 16 जिले इसमें आते थे। इसमें आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा आता था, कर्नाटक का हिस्सा आता था, महाराष्ट्र का हिस्सा आता था। और ये जो हैदराबाद का निजाम है, ये इतना अमीर था, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि ये 4 अरब का एक हीरा तो पेपर वेट के रूप में प्रयोग करता था। 14,718 इसके कर्मचारी थे। इसका जो महल है वो महल सैकड़ों एकड़ में, 200 एकड़ में फैला हुआ है। इसके महल में 200 कमरे हैं। टाइम्स मैगजीन ने एक बार एक सर्वे करवाया। फोर्ब्स की जो रिपोर्ट आती है कि कौन सबसे अमीर है, तो उस फोर्ब्स की ऑल टाइम जो वेल्थीएस्ट लिस्ट हैं, जो सबसे धनवान व्यक्ति हैं, जो सर्वकालिक धनवान व्यक्ति हैं, उसके अनुसार निजाम 5वें नंबर पर आते थे और बिल गेट्स 20वें नंबर पर आते थे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि निजाम के पास कितनी संपत्ति थी। ये जो हैदराबाद का निजाम था, ये हैदराबाद के निजाम के पास इतना पैसा कहां से आता था। उस समय इनकी जो संपत्ति है, उस समय इनकी संपत्ति 1930 से लेकर 40 तक 136 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई थी। ये बहुत बड़ी संपत्ति है। टाइम मैगजीन के कवर पर इनका फोटो छापा गया था और पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इनको, मीर उस्मान को, हैदराबाद के निजाम को घोषित किया गया था। इन्होंने अपनी रियासत में रेलवे लाइन बनाई हुई थी, एयरलाइंस बनाई हुई थी, रेलवे स्टेशन बनाया हुआ था। और ये इतने बड़े अमीर थे कि इनके पास, ये कहा जाता था कि इनके हीरे जवाहरात इतने हैं इनके पास हीरे, कि इन हीरों को यदि एक स्विमिंग पूल में डाला जाए तो पूरा स्विमिंग पूल भर जाएगा। इतना इतना इनके पास धन संपत्ति थी। धन संपत्ति कहां से आई? एक तो 600 650 साल से जो निजामों का, मुगलों का साम्राज्य था, उसमें इन्होंने रियासत में खूब जो महसूल वसूलते थे, कर वसूलते थे, फल के फसल के ऊपर उसको वसूलते थे। और ये निजाम ऐसे थे कि अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के ये पिट्ठू बन गए, अंग्रेजों के साथ इन्होंने समझौता कर लिया। दूसरा, आपने गोलकुंडा का नाम सुना होगा।
बेरर और गोलकुंडा ये दो ऐसे स्थान 18वीं शताब्दी तक रहे थे जहां पर हीरे निकलते थे। तो ये गोलकुंडा की जो खदान है वो निजाम के क्षेत्र में आती थी, तो उस गोलकुंडा की खदान के कारण और दूसरे रियासत के कारण वो इतने अमीर व्यक्ति थे। अमीर तो थे, लेकिन अमीर होने के साथ साथ देश के लिए उनकी योजनाएं क्या थी, देश के लिए वो कैसे थे, इसकी हम बात करते हैं। तो वो बहुत निकृष्ट व्यक्ति थे जिसको आज महान बताकर उनको प्रस्तुत किया जाता है। मैंने जैसा बताया कि 4 अरब का एक हीरा वो पेपर वेट के रूप में प्रयोग करते थे। उन्होंने अपने, अभी भी सलारगंज म्यूजियम है, नवाब का म्यूजियम हैदराबाद में है, आप जब देखते हैं तो उस म्यूजियम में देखते हैं कि वहां पर सोने चांदी की बहुत सी मूर्तियां हैं, सोने चांदी की कुर्सी हैं, सोने चांदी की दूसरी चीजें हैं, ये सारी चीजें वहां पर हैं। तो जब अंग्रेजों का ये बहुत बड़ा पिट्ठू था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अंग्रेजों का युद्ध हुआ तो उस समय अंग्रेजों को इन्होंने एक नौसैनिक पोत और एक दो पूरी स्क्वाड्रन अंग्रेजों की जो रॉयल एयरफोर्स है उसको उन्होंने गिफ्ट की थी। अंग्रेजों की जो जहाज है, नौसेना का जहाज दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इनको 1946 में रॉयल विक्टोरिया चेन से सम्मानित किया गया था। इनको अंग्रेज 21 तोपों की सलामी देते थे। जो निजाम का खिताब है वो अंग्रेजों का दिया हुआ था। ये इतने अमीर तो थे लेकिन दिल के बहुत गरीब थे, सबसे कंजूस इनको निजाम माना जाता है। आपको मालवीय जी की घटना पता होगी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी जब पूरे देश से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए दान मांग रहे थे, तो दान मांगते मांगते ये हैदराबाद के निजाम के पास पहुंचे। जब ये हैदराबाद के निजाम के पास पहुंचे तो उन्होंने ये कहा कि ये मैं विश्वविद्यालय बना रहा हूँ, इससे भारत की तरक्की होगी, सबको शिक्षा मिलेगी, अभी अंग्रेजों के ऊपर शिक्षा व्यवस्था के लिए निर्भर होना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि आप निजाम हैं, आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, आपको कम से कम 2 लाख रुपए देने चाहिए। तो हैदराबाद का निजाम, दिखावे के लिए कहा जाता है कि वो हिंदू मुसलमानों को बराबर देखता था, लेकिन बराबर नहीं देखता था। वो मुस्लिम संस्थाओं को सहयोग करता था लेकिन हिंदुओं की संस्थाओं को नहीं करता था। जामा मस्जिद का एक हिस्सा टूट गया था तो उसके लिए उनसे जामा मस्जिद के लोग 75,000 रुपये मांगने के लिए गए, तो उसके स्थान पर उन्होंने उनको 3 लाख रुपये का दान दिया। जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी इनके पास पहुंचे कि मुझे कुछ दान दे दीजिए, तो इन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 2 लाख रुपये की मांग को नकार दिया। फिर उन्होंने कहा कि 1.5 लाख दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिए, 50,000 दे दीजिए, और लास्ट में वो 10 रुपए के ऊपर आ गए कि मैं आपके पास आया हूं तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मेरे बारे में ये कहा जाता है कि जब मैं दान लेता हूं तो बैल का भी दूध निकाल लेता हूं, तो आप मुझे कुछ ना कुछ दीजिए। लास्ट में उन्होंने कहा कि 10 रुपए का दान तो दे दीजिए, 10 रुपए का दान तो कोई भी व्यक्ति दे देता है, गांव के गरीब किसानों ने मुझे 10-10 रुपए का दान दिया है। तो हैदराबाद के निजाम ने 10 रुपए के दान के लिए भी मना कर दिया था। उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी तो बड़े बड़े पहुंचे हुए देशभक्त थे और इनको टैकल करना जानते थे। उन्होंने अपना सफेद कपड़ा, अपनी चादर इनके सामने बिछा दी और उसने कहा कि आप पैसे नहीं देना चाहते, मत दीजिए, आपको जो ठीक लगे वो दे दीजिए। तो नवाब ने उनकी उनका उपहास करते हुए जूती, अपने पैर की एक जूती उनके कपड़े के अंदर, उनकी चादर के अंदर डाल दी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी इतने तेज थे कि उस जूती को उन्होंने ले जाकर पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि निजाम की जो जूती है उसको नीलामी के लिए उपलब्ध है। पूरे निजाम की पूरी किरकिरी हुई और उसने मुनादी में कहा कि ये निजाम की जूती है, इसकी नीलामी से जो पैसा मिलेगा उस वो निजाम का दान होगा और इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, काशी विश्वविद्यालय के निर्माण में लगाया जाएगा। तो निजाम की जब अपनी रियासत में किरकिरी हुई तो उन्होंने उसको वापस बुलाया और वापस बुलाकर उनको फिर 10 लाख रुपए का दान दिया। तो वो दान उन्होंने कोई कोई प्रेम से नहीं दिया था, वो दान अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने दिया था। तो ये निजाम ऐसा था, ये जो निजाम था इसकी जो आबादी थी उस समय के हैदराबाद में वो 90% आबादी तो हिंदुओं की थी, लेकिन इनकी रियासत में जो सेना में, अधिकारियों में, तहसील में, शिक्षा में जो भी लोग थे उसमें 90% मुसलमान थे। मतलब 90% आबादी हिंदुओं की, 10% मुसलमानों की, लेकिन उनके ऊपर शासन करने में 90% मुसलमान थे। वहां की जो राजकीय भाषा थी वो उर्दू की थी। अंग्रेज इनको 21 तोपों की सलामी देते थे, 136 अरब अमेरिकी डॉलर की इनकी संपत्ति थी। ये सब आपने देखा, अंग्रेजों के ये पिठलग्गू थे। 1946 में इनको रॉयल विक्टोरिया चेन से इनको सम्मानित किया गया था, दूसरे किसी भारतीय को नहीं किया गया था। और ये जो निजाम था इसका कैरेक्टर कैसा था इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। जो आधी रात के ऊपर जो डोमियन लेपियर की जो बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट, आधी रात की आजादी,
उस पुस्तक में वो अंग्रेज लेखक लिखते हैं कि ये जो निजाम है ये करेक्टर का इतना गिरा हुआ था कि इसके पास जो अतिथि आते थे, जो इसके गेस्ट आते थे, तो अपने अतिथि गृह में इन्होंने छत के ऊपर, पंखों में, दीवारों में, बाथरूम में, आईने के पीछे इन्होंने कैमरे रखवा रखे थे। जो भी अतिथि आते थे सीक्रेट कैमरों से वो उनकी फोटो खींचते थे। और उस समय का ये कहा जाता है कि जो अश्लील चित्र हैं उनका सबसे बड़ा संग्रह हैदराबाद के निजाम के पास था। तो करेक्टर की बात करें तो उनका चरित्र ऐसा था, गिरा हुआ चरित्र था। तो हैदराबाद का जो निजाम है वो जिन्ना से बहुत प्रभावित था। और 1920 22 25 में ही जब मुस्लिम लीग 1906 में बनी और जब जिन्ना जी पावर में आए तो जिन्ना और मुस्लिम लीग का सीधा सीधा ये कहना था कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें तो अलग देश चाहिए। और 1925 से ही हैदराबाद के निजाम ने ये योजना बनानी शुरू कर दी थी कि हमें अपना अलग देश बनाना है और एक देश नहीं बनाना है। उन्होंने योजना बनाई थी कि हम चार देश बनाएंगे, भारत को खंड खंड करके तोड़ेंगे। और 1925 से ही जब हैदराबाद के निजाम ने यह देखा कि हैदराबाद में 90% आबादी हिंदुओं की है तो यहां पर मुसलमानों को बढ़ाना है, तो उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया। मुस्लिम कट्टरपंथियों की वहां पर राजनीतिक पार्टियां जैसे कांग्रेस बनी हुई है वैसे ही बनाई गई। उन्होंने वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया, उर्दू को थोपना, मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं में हरिजनों का जबरन धर्मांतरण करना, ये सारे काम उन्होंने करने शुरू किए। और 1925 से ही, 1927 से ही हिंदू महासभा और आर्य समाज के लोग वहां पर जाकर, उन्होंने वो हरिजनों का धर्म परिवर्तन करते थे तो वो वापस जाते थे, उनको समझाते थे तो उनको वापस अपने धर्म में लेकर आते थे। आर्य समाज के ऊपर भी निजाम ने प्रतिबंध लगा दिया। तो आपने सुना होगा कि आर्य समाज के बारे में ये कहा जाता है कि आर्य समाज के हमारे सेनानियों ने हैदराबाद के सत्याग्रह में भाग लिया था। तो ये जो हैदराबाद का सत्याग्रह है ये 1948 में नहीं था, ये हैदराबाद का सत्याग्रह 1930 से ही लगातार चल रहा था। जब निजाम के अत्याचार ज़्यादा बढ़ गए हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं की महिलाओं का शीर हरण करना शुरू कर दिया, उनका धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया, उनके घरों को लूटना शुरू कर दिया, उनको जबरदस्ती मारना पीटना शुरू कर दिया, तो हैदराबाद पूरे देश से, आपके जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं वो भी आपने स्थानीय आर्य समाज से बात करेंगे तो उनको पता लग जाएगा उनके यहाँ दादा उनके परदादा सत्याग्रही के रूप में निजाम का विरोध करने के लिए हैदराबाद में गए थे। तो पूरे देश से आर्य समाज ने, हिंदू महासभा ने और हिंदू संगठनों ने, राष्ट्रीय संगठनों ने निजाम का विरोध किया। और ये जो निजाम है, अब सोने की बात करें तो इसने 1 ग्राम सोना भी भारत के रक्षा कोष में दान नहीं दिया था। उस समय जो भारत रक्षा स्वर्ण योजना आई थी उसमें यह था कि सोना जमा करवाओ तो आपको 6.5% का ब्याज मिलेगा। मुसलमानों के बारे में यह कहा जाता है कि मुसलमान कभी ब्याज नहीं लेते। ये निजाम ऐसा था, ऐसा नकली और घटिया मुसलमान था कि इसने ब्याज के लालच में लगभग 425 किलो सोना इन्वेस्ट किया था, दान नहीं दिया था। और जो ये सोना दिया, ये जो सोना भेजा जमा करवाने के लिए, तो जिन जिन बक्सों के अंदर सोना भेजा था ये इतना कंजूस और इतना गिरा हुआ था कि भारत सरकार को बार बार चिट्ठी लिख के वो बक्से भी वापस मंगवा लिए थे। तो इन्होंने 6.5% का, देश में उस समय क्राइसिस है और ये उस देश से, उस सेना से 6.5% का लोन ले रहे हैं। 15.5 अरब का, 4 अरब का हीरा तो पेपर वेट में यूज करते हैं, 1500 करोड़ का सोना रखा, तो उस 1500 करोड़ की नहीं बनती, जो 425 किलो की जो जो कीमत बनती है वो तो मुश्किल से 5-7-10 करोड़ बनती है, 40-1 करोड़ बनती है। तो वो सोना रखा तो उसके ऊपर 6.5% का ब्याज लिया था। उस समय जो दान दिया था वो दान दिया था तिरुपति बालाजी के मंदिर ने। तिरुपति बालाजी के मंदिर ने 124 किलो सोना भारतीय सेना के रक्षा कोष में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो दान दिया था। तमिल के जो फिल्म स्टार हैं उन फिल्म स्टार की एसोसिएशन ने उस समय 8 लाख रुपए का दान भारत के रक्षा कोष में दिया था, भारत की सेना को दिया था। आप लाल बहादुर शास्त्री जी की जब जीवनी पढ़ते हैं तो वो ताशकंद में समझौते के लिए गए हुए हैं। उन्होंने अपने बेटे को मध्य प्रदेश में भेजा और अपने बेटे को यह कहा कि मध्य प्रदेश में आपका कार्यक्रम 4 दिन का बना हुआ है, उस 4 दिन के कार्यक्रम में आपको देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री के बेटे की हैसियत से जाना है और जाकर एक तो आपको देश के अंतिम व्यक्ति की क्या पीड़ा है वो समझनी है, उसको सुनना है, उसको महसूस करना है, हमारा देश क्या है, हमारा देश शहरों में नहीं रहता, हमारा देश गांवों में रहता है। तो उनको टारगेट दिया था कि आप 2500 रुपये दान कलेक्शन कर लें। तो जो उनके बेटे सुनील शास्त्री हैं और जो उनके दूसरे बेटे हैं वो लिखते हैं कि पापा ने, पिताजी
पिताजी ने हमें 2500 का टारगेट दिया था, और जब वो गए और दान मांगने के लिए गए तो उन छोटे बच्चे की गांव में आदिवासियों के बीच में गए तो 25,000 रुपए का दान उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। और उन्होंने ये सोचा कि पिताजी ने तो कहा था कि 2500 इकट्ठा कर लूं तो बहुत ज्यादा है, यहां तो मैंने 25,000 का दान इकट्ठा किया है। यह अलग बात है कि जब वो मध्य प्रदेश की यात्रा से वापस आए तो ताशकंद से उनको लाल बहादुर शास्त्री नहीं मिले, उनकी डेड बॉडी मिली, उसके बारे में फिर कभी बातचीत करेंगे। तो देश के अंतिम आदिवासी ने, किसान ने, गरीब ने दान दिया था, लेकिन इस हैदराबाद के निजाम ने एक फुटी कोड़ी भी भारत के लिए, भारत देश के लिए दान नहीं दी थी। आप में से किसी ने वो स्टोरी पढ़ी हो और आपके मन में उस निजाम के प्रति कोई अच्छे भाव आए हों तो आप ये बात जान लीजिए। इन्वेस्टमेंट की थी जिसको कि मुस्लिम व्यक्ति जो ब्याज लेता है तो उसको बहुत हराम माना जाता है कुरान के अनुसार, मुसलमानों के अनुसार, और बड़े गर्व से वो कहते हैं कि हम ब्याज नहीं लेते, हम छोटा बड़ा नहीं समझते, ये अपने धर्म के वो गुण बताते हैं। वो कहते हैं हिंदुओं के अंदर तो जातियों में हिंदू बटा हुआ है, वो तो ब्याज का खाते हैं, वो तो लूटते हैं, हम मुसलमान किसी से ब्याज का नहीं खाते। तो वामपंथियों ने और यहाँ के सेक्युलर और भ्रष्ट मीडिया ने सुनियोजित तौर पे एक छवि बनाने के लिए कि देखिए राष्ट्र के निर्माण में, भारत के निर्माण में मुसलमान सदा आगे खड़े रहते हैं, तो ये उसका सच है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की मुक्ति की। यदि हम हैदराबाद की मुक्ति की बात करें तो हैदराबाद में माउंटबेटन उस समय है, उस समय जो सेना है, भारतीय सेना है, भारतीय सेना के जो सेना अध्यक्ष हैं वो अंग्रेज हैं। पूरे भारत में 565 रियासतें थी, 565 में से 561 रियासतों ने तत्काल विलय कर दिया। एक थी भोपाल की रियासत, एक थी जूनागढ़ की रियासत, एक थी हैदराबाद की रियासत और एक थी कश्मीर की रियासत। ये चार रियासत ऐसी थी जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया। भोपाल का जो नवाब था उसकी इच्छा थी कि मैं भारत में ना मिलूं, मैं पाकिस्तान के साथ मिलूंगा। वो जिन्ना के संपर्क में था, जिन्ना ने कहा कि तुम यहां आ जाओ, तुम्हें मुख्य सचिव हम पाकिस्तान सरकार का बना देंगे। तो उसने अपनी बेटी को कहा कि भोपाल की रियासत तुम संभालो, मैं पाकिस्तान जाता हूं। सरदार पटेल को पता लग गया तो सरदार पटेल ने उसको धमकाया, तो धमकाने के बाद वो दो दिन के बाद ही घुटनों के ऊपर आ गया। उस समय जो वहां के जो प्रिंस होते थे, रियासतदार होते थे, उनकी काउंसिल का जो प्रमुख है वो भी भोपाल की रियासत का नवाब होता था, मुसलमान था। और धर्म बदलता है तो कैसे परिवर्तन होता है, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। अभी थोड़े दिन पहले मैं नारनौल गया हुआ था, तो नारनौल में हमारे एक भाई हैं डॉक्टर मदन मानव जी, उनके पिताजी के घर, उनके घर बैठे हुए थे, तो उनके पिताजी ने बताया कि जो नारनौल है इसमें जब आज़ादी की लड़ाई हुई 1947 में, तो उस समय जो एसपी है वो हिंदू था और जो जिलाधिकारी था वो मुसलमान था। तो उस जिलाधिकारी ने उस समय 1947 में जब ये हुआ कि भारत का विभाजन हुआ, तो उसने योजना बनाई कि ये जो राजस्थान में जो मुस्लिम आबादी के क्षेत्र हैं, जैसे लोहारू है, जैसे अजमेर है, ये सारे क्षेत्र को गुप्त रूप से उन्होंने कहा कि तुम सब नारनौल आ जाओ, और नारनौल आकर तुम सब नारनौल में रहो, हम नारनौल से हिंदुओं को बाहर निकाल देंगे काट कर मार कर, और नारनौल को मिनी पाकिस्तान बनाएंगे, जिन्ना से उसकी इजाजत ले लेंगे और हम सारे मुसलमान यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे। और उस समय क्या हुआ कि जब वो गुप्त रूप से बैठ के करता था तो उस जिला अधिकारी के यहां एक व्यक्ति हिंदू रहता था। तो धर्म का क्या परिवर्तन होता है आप देखिए, उस हिंदू ने जब उसकी योजना सुनी तो वो एसपी के पास पहुंचा। एसपी को जब पता लगा जो हिंदू था कि ये तो देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है, तो उन्होंने तत्काल स्थानीय लोगों के साथ मिलकर योजना बनाई, जितने भी मुस्लिम सिपाही थे उनके हथियार रखवा लिए, जहां जहां से मुसलमान आने वाले थे रास्ते में सूचना दे दी गई। मेरा खुद का गांव वहां पर पड़ता है, झोझुकला गांव है, लोहारू के और नारनौल के रास्ते में पड़ता है, तो वहां पर मुसलमानों को फिर रोका गया, समझाया गया, और जो समझाने और रोकने से नहीं माने उनके साथ फिर वही हुआ जो उनके साथ होना चाहिए। तो इस तरीके से एक व्यक्ति का क्या फर्क पड़ता है, अगर नारनौल में मान लीजिए वो एसपी हिंदू नहीं होता, उस जिलाधिकारी के यहां जो सुन रहा था वो एक हमारा चपड़ासी या दरबान हिंदू नहीं होता तो क्या स्थिति होती। मैं धर्म के आधार, मत पंथ के आधार पर भेदभाव की बात नहीं करता, लेकिन जब धर्म बदलता है तो देश भी बदलता है, राष्ट्र भी बदलता है, मर्यादाएं और मान्यताएं भी बदलती हैं। तो ये अब हैदराबाद पर आते हैं। तो हैदराबाद की जो स्थिति थी उस समय, सेना अध्यक्ष अंग्रेज है, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि हम तो आजाद कर देंगे भारत को, जुलाई में, अगस्त में आजाद कर देंगे,
अगस्त सितंबर तक उन्होंने कहा कि हम आज़ाद कर देंगे, थोड़ा सा पहले उन्होंने आज़ादी दे दी, क्योंकि पहले आज़ादी 15 अगस्त को क्यों दी, आज़ादी देनी थी सितंबर में, लेकिन 15 अगस्त को उन्होंने इसलिए दी कि 15 अगस्त जापान ने सरेंडर किया था, और जापान ने सरेंडर किया था तो माउंट बेटन उस समय जापान की लड़ाई में जंगलों में था, तो उसकी ये इच्छा थी कि 15 अगस्त को अगर भारत को आज़ादी मिलेगी तो मैं अमर हो जाऊंगा इतिहास में, क्योंकि मैं जापान की लड़ाई में जापान को सरेंडर करवाया और इधर भारत को आज़ादी दूंगा, मैं यहाँ का अंग्रेजों का प्रमुख हूँ, वायस राय हूँ, तो मेरी मेरी पहचान सदियों तक रहेगी। तो ये उनके मन में इच्छा थी, तो 15 अगस्त का दिन उन्होंने चुना। तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जितनी भी रियासतें हैं हम तो भारत को आज़ाद कर देंगे, हमारी जिन रियासतों के साथ कोई भी संधि है वो खत्म हो जाएगी, हमारी तरफ से सब आज़ाद हैं, उसके बाद रियासतों की मर्जी है वो पाकिस्तान के साथ मिलें, वो भारत के साथ मिलें, या वो स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र देश अपने आप को घोषित कर सकते हैं। तो इसके मूल में क्या है, उनका एजेंडा और उनकी योजना क्या थी कि भारत को 565 टुकड़ों के अंदर खंड खंड करके बांट दिया जाए, ताकि ये भविष्य में कभी ताकतवर देश बनके हमारे सामने खड़ा ना हो सके। सरदार पटेल ने अप्रैल से ही इसकी योजना को पहचान लिया और उन्होंने एक विभाग, पहले से ही एक आंतरिक विभाग बनाया, उन्होंने सारे राजाओं को इकट्ठा करना, बातचीत करनी शुरू कर दी। उनको पता था, आंतरिक तौर पर गुप्तचर लगाए हुए थे, निजाम के पीछे भी गुप्तचर लगाए हुए थे, निजाम के पीछे गुप्तचर था, निजाम की एक एक कार्रवाई की रिपोर्ट उनको मिलती थी। और उस समय आप ध्यान करेंगे तो ये जो गोवा है, पांडिचेरी है, ये पुर्तगालियों के अंडर में था, केवल अंग्रेज या रियासत नहीं थी, पुर्तगाली भी यहां पर थे। तो उन्होंने सरदार पटेल सबके साथ लगे हुए थे, तो उन्होंने पहले कुछ हिंदू राजाओं को बुलाया और उनको समझाया, और सरदार पटेल ने ये जो काम किया ये सारा दबाव से नहीं किया, प्रेम से ये काम किया। और ये सारा काम करने के बाद भी जब राजाओं से, एक बार अलवर के राजा से जब पूछा गया कि आपने ये किया तो सरदार पटेल ने आपकी सारी रियासत, आपका राजपाट छीन लिया तो आपको कैसे लगता है, तो उन्होंने कहा सरदार पटेल ने जो हमसे रियासत ली वो हमें देश हित को ध्यान में देकर, कि देश का भला किस में है उसको दिखाकर हमने ली, हमसे ली, हमारे साथ कोई धोखा या गद्दारी नहीं की। सरदार पटेल ने जो काम किया वो प्रेम के साथ किया, और जब रियासतें ले ली तो उन्होंने रियासतें का एकीकरण का, भारत को एक करने का जो श्रेय दिया वो सारा श्रेय भी उन्होंने राजाओं को दिया। उन बैठकों में उनकी तारीफ करते रहते थे, तो उन्होंने पहले वफादार राजाओं को बुलाया, वफादार राजाओं की मीटिंग की, पहले उनसे विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करवाए, और सबसे उसके बाद जो दूसरे राजा थे जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते थे उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव दिया गया। और उसके बाद ये जो चार रियासतें बची उसमें भोपाल की रियासत सबसे पहले सम्मिलित हो गई, उसके बाद तीन रियासत बची, एक कश्मीर, कश्मीर का मुद्दा सरदार पटेल सुलझा लेते। सारे नेताओं ने कहा, बाद में कहा कि अगर सरदार पटेल के हाथ में कश्मीर का मुद्दा होता तो कश्मीर कभी भी नासूर नहीं बनता। जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर में, क्योंकि पुश्तैनी उनकी जड़ें वहां पर थी, उनको प्रेम था, तो उन्होंने पंडित पटेल से कहा कि आप कश्मीर का मुद्दे में हस्तक्षेप ना करो, कश्मीर का मुद्दा मैं देखूंगा। हैदराबाद और जूनागढ़ दो बचे। जूनागढ़ में जब नवाब ने वहां के हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू किया तो जूनागढ़ में सैनिक कार्रवाई की गई, सेना भेजी गई, थोड़ा सा दबाव देते ही जूनागढ़ का नवाब घुटनों पर आ गया, वो जूनागढ़ छोड़कर चला गया, अपने दीवान को उसने संभलवा दिया। थोड़े दिन बाद जब दीवान ने देखा कि मैं भारत के सामने, भारतीय सेना के सामने टिक नहीं सकता, तो वो भी पाकिस्तान भाग गया। अब बचा हैदराबाद और कश्मीर। अब हैदराबाद की जो समस्या है, 1930 में जाना पड़ेगा, 1930 में अगर हम बात करें, 1927 में, 1925 में यारगंज है, उसने मजलिसे इस्लाम नाम की एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का क्या उद्देश्य था कि ये जो हैदराबाद है इसमें हम मुसलमानों की आबादी बढ़ाएं, केवल 10% यदि मुसलमान होंगे तो हम मुस्लिम राज्य नहीं बना सकते, एक तो हम कन्वर्जन करेंगे, दूसरे उन्होंने क्या किया कि हम कहेंगे उत्तर प्रदेश से हम मुसलमानों को लेकर आएंगे, ये जो मुसलमान बंगाल से पाकिस्तान जाने वाले हैं इनको हम हैदराबाद में लेकर आएंगे। आजादी के समय उनकी ये योजना थी, और आजादी से पहले 1925-27 में उन्होंने क्या सोचा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को हम यहां पर लेकर आएंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बसाने के लिए मजलिसे इस्लाम नाम की पार्टी बनाई गई, चरमपंथी दल बनाया गया, यारगंज उसका नेतृत्व करता था। 1927 में हरिजनों का धर्मांतरण किया गया, सार्वजनिक सभाओं के ऊपर रोक लगा दी गई, आर्य समाजियों ने वहां पर जलसे किए, जुलूस किए। आर्य समाजी जो हमारे विद्वान हैं, महात्मा आनंद स्वामी ने उस समय 5,000 रुपए का दान दिया, और हमारे आर्य समाजी विद्वान वहां पर गए, उन्होंने उन हरिजनों को समझाया, उनकी वापसी अपने धर्म में वापस की। और जब उनको ये लगा
कि ये हमारी योजना धर्मांतरण की सफल नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने आर्य समाज के ऊपर बैन लगा दिया, आर्य संस्थाओं के ऊपर बैन लगा दिया, गुरुकुलों के ऊपर जो हिंदुओं के मंदिर हैं उनको बंद कर दिया, अत्याचार करना शुरू किया। तो पूरे देश से 1930 से ही सत्याग्रह आना शुरू हुआ, वहां पर विरोध करना शुरू किया। और उसके बाद 1945 में आते आते क्या हुआ, 1940 के दशक में रजाकारों की एक सेना, कासिम रिजवी नाम का एक बहुत कट्टर मुसलमान था, धर्मांध मुसलमान था, उसने रजाकारों की एक सेना बनाई। वो जो रजाकारों की उन्होंने सेना बनाई, अभी की जो पार्टी है, ये जो ओवेसी बंधु आपको दिखाई देते हैं, इन ओवेसियों की जो अभी पार्टी है, ये समझ लो कि ये जो रजाकारों की पार्टी थी ये उसके मूल में थी। उसके बाद इसका नाम बदला गया, नाम बदल के आज जो पार्टी देख रहे हैं वो पार्टी आपको दिखाई देती है। तो ये जो कासिम रिजवी था ये बहुत कट्टर था। जब 1947 में अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए और हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं की महिलाओं को उठाना, उनको जबरदस्ती उनका रेप करना, हिंदुओं की घर संपत्ति को लूट लेना, हैदराबाद की रियासत के आसपास के जो गांव हैं वहां पर रजाकार आक्रमण कर देते थे, तो इन रजाकारों की इन्होंने लगभग 30,000 की सेना बनाई, सेना उसको नाम दिया। ऐसे ये कट्टरपंथी धर्मांध मुसलमान थे जिनको डाकू लुटेरे कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ये कहीं भी जाते और वहां पर हिंदुओं को जबरदस्ती मारने का, पीटने का, धर्मांतरण करने का काम करते थे। और ये जो कासिम रिजवी है, जब सरदार पटेल इनसे बात करने के लिए गए, इनको बुलाया और इनसे बात की, तो इन्होंने कहा कि हम तो हैदराबाद, ये जो हमारा हैदराबाद है, हम इससे किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। एक तो निजाम है, कासिम रिजवी है। अब जो निजाम है वो ये दिखा रहा है कि कासिम रिजवी के ऊपर उसका भी नियंत्रण नहीं है, ये स्वतंत्र दल है। निजाम है, निजाम भी अड़ा हुआ है, कासिम रिजवी भी अड़ा हुआ है। तो कासिम रिजवी जब सरदार पटेल से मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि जो हमारा मुसलमान है, हमारा एक एक मुसलमान, हैदराबाद का एक एक मुसलमान, वो अंतिम सांस तक लड़ेगा। और फिर उसने क्या धमकी दी सरदार पटेल से कि यदि हैदराबाद के ऊपर आपने आक्रमण किया तो पूरे देश में 4.5 करोड़ मुसलमान खड़े हो जाएंगे और देश के अंदर गृह युद्ध हो जाएगा, सिविल वार हो जाएगी। तो सरदार पटेल ने उसको समझाने की कोशिश की, जब वो नहीं समझा और उसने कहा कि हमारा मुसलमान अंतिम सांस तक लड़ेगा, तो उसने, सरदार पटेल ने एक ही लाइन कही, वो लाइन कोट करने लायक है कि अब तुम आत्महत्या के लिए, अगर तुम आत्महत्या करना चाहते हो तो मैं कैसे रोक सकता हूं। इसका मतलब क्या था, सरदार पटेल का इंडिकेशन स्पष्ट था कि अब तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हारा कोई रजाकार यदि अंतिम सांस तक लड़के मरना चाहता है तो उसकी मौत निश्चित है, उसको मरना ही पड़ेगा। अब सरदार पटेल ने नेहरू से, माउंटबेटन से बात की, माउंटबेटन अभी भी वायस राय है, उसका होल्ड चलता है। और ये जो हैदराबाद का निजाम है, इसका जो कानूनी एडवाइजर है, जो यूएनओ से बात कर रहा है, जो ब्रिटेन से बात कर रहा है, वो माउंटबेटन का दोस्त है, मैंकेजी कुछ उसका नाम है। तो वो माउंटबेटन के ऊपर दबाव देता है कि जो हैदराबाद की समस्या है इसमें सेना का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब सरदार पटेल का स्वास्थ्य खराब है, वो देहरादून में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब वो देहरादून में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं तो माउंटबेटन समझौते के पेपर तैयार करते हैं जिसमें हैदराबाद को स्वतंत्र किया जा सके। माउंटबेटन से मिलने के लिए जाते हैं, शो तो ये करते हैं कि हालचाल पूछने के लिए जा रहे हैं कि अब वो देश छोड़कर चले जाएंगे। तो माउंटबेटन ने ये शो किया कि हम सरदार पटेल से मिलेंगे, वो प्रधानमंत्री हैं, तो वो माउंटबेटन सरदार पटेल से मिलने के लिए जाते हैं और वो उनके सामने पेपर रखते हैं कि इन पेपरों के ऊपर आप हस्ताक्षर कर दो क्योंकि आप होम मिनिस्टर भी हो। तो सरदार पटेल कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, ये तो धृष्टता है, ये तो ये पेपर, ये समझौता नहीं हो सकता। अब सरदार पटेल कहते हैं कि हैदराबाद के ऊपर अब उनको खबर मिलती है, क्या खबर मिलती है कि ये जो निजाम है ये जिन्ना के साथ संपर्क कर रहा है। और ये निजाम क्या कर रहा है कि इसने अपने कुछ आदमियों को ऑस्ट्रेलिया भेजा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में जो हथियारों की कंपनी है उससे ये हथियार मंगा रहा है, बंदूकें मंगवा रहा है, लड़ाकू हवाई जहाज खरीदने की इसने योजना बनाई है। बर्मा के रास्ते म्यांमार के रास्ते, उस समय म्यांमार बोला जाता था, उसके रास्ते ये हथियार मंगवा रहा है। और ये जो हथियार है ये समुद्र के रास्ते, गोवा उस समय पुर्तगाल के अंडर में है, तो गोवा के रास्ते हथियार आ रहे हैं। अब सरदार पटेल की जो सूचना है वो बड़ी पक्की है, हैदराबाद के अंदर उन्होंने निजाम के महल के अंदर अपने जासूस, अपने एजेंट छोड़े हुए हैं, वो उनको एक एक पल की खबर देते हैं। KM मुंशी को उन्होंने अपने प्रशासन में हैदराबाद के निजाम से बात करने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने भेजा। हैदराबाद के निजाम ने जो भारतीय मुद्रा पूरे देश में चलती थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, नेपाल में भी चलती थी। और ये जो हैदराबाद का निजाम है, तुर्की के साथ इसके बहुत अच्छे संबंध हैं, बर्मा के साथ संबंध है, ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध है, तो तुर्की से ये कोशिश कर रहा है कि हथियार आ जाएं, मुझे ऑस्ट्रेलिया से हथियार आ जाएं, हथियार, क्योंकि पैसा तो बहुत है,
हथियार बनाने वाली कंपनी से पैसा, वो हथियार लेना चाहता है। अब जब उनको पता लगा सरदार पटेल को कि ऑस्ट्रेलिया की एक हथियार सप्लाई की जो कंपनी है, अब ये ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश का एक, ब्रिटिश का राज वहां पर भी रहा है, और वहां ऑस्ट्रेलिया के लोग ब्रिटेन के राज को गलत नहीं मानते, जैसे हम तो ये मानते हैं कि ये जो ब्रिटिश आए इन्होंने हमारे ऊपर पाप किया, अत्याचार किया, तो ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं मानते, वो कहते हैं ये आए तो इन्होंने हमारा उद्धार किया, हमारे देश को बनाया। अभी भी वहां की संसद में ब्रिटेन की जो महारानी है उसकी फोटो लगी हुई है। तो वहां की कंपनी से हथियार मंगवा रहे थे, तो इसमें वो लगे हुए थे। तो सरदार पटेल को जैसे ही पता लगा कि लड़ाकू जहाज मंगवा रहा है और इसकी तो योजना कुछ और है, अब सरदार पटेल समझते थे कि यदि ये हैदराबाद जो 2 लाख 2.25 लाख वर्ग का क्षेत्रफल है, ये यदि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के साथ मिल गया तो हिंदुस्तान के पेट में, भारत माता के पेट में ये कैंसर का नासूर बन जाएगा, ये सदा डिस्टर्ब करता रहेगा, इसका कोई समाधान होगा नहीं। अब नेहरू और माउंटबेटन से जब वो बात करते हैं कि इसके ऊपर तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये तो वहां पर हिंदुओं के साथ भी अत्याचार कर रहा है और ये यदि पाकिस्तान के साथ मिल गया तो भारत की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। अब नेहरू और माउंटबेटन क्या कहते हैं, नेहरू कहते हैं कि नहीं, बल प्रयोग नहीं करना, सेना नहीं भेजनी, सेना भेज देंगे तो युद्ध हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा तो कश्मीर में और स्थिति खराब है, यहां भी युद्ध कर लेंगे तो कैसे सेना लड़ेगी। माउंटबेटन से पूछा तो माउंटबेटन भी कहते हैं कि बल प्रयोग नहीं करना, अंग्रेजों का सेना अध्यक्ष है उस समय, अंग्रेजों के सेना अध्यक्ष से पूछा तो वो भी कहते हैं कि हम हैदराबाद में सेना भेजेंगे तो पाकिस्तान हवाई लड़ाकू जहाज भेजकर अहमदाबाद के ऊपर बम गिरा सकता है, मुंबई के ऊपर गिरा सकता है, दिल्ली के ऊपर गिरा सकता है। तो सबने उनको डराने की कोशिश की लेकिन सरदार पटेल डरे नहीं, दो बार उन्होंने मना की। अब तीसरी बार सरदार पटेल ने क्या किया, जब नेहरू निजाम को पत्र लिखने जा रहे हैं तो पत्र लिखने से पहले जो ये आपस में उधर नेहरू से बातचीत कर रहे हैं, माउंटबेटन से बातचीत कर रहे हैं, तो उन्होंने इधर सेना को कार्रवाई के लिए भेज दिया। जनरल चौधरी को उन्होंने देहरादून में बुलाया, देहरादून में जैसे ही बुलाया तो उन्होंने पूछा कि ये जो हैदराबाद है इसमें कार्रवाई करें तो आपको कितना समय चाहिए, और उधर जो हमारे सेना अध्यक्ष थे उस सेना अध्यक्ष से पूछा कि हैदराबाद में कार्रवाई करेंगे और मान लो पाकिस्तान कुछ शरारत करने की कोशिश करती है तो आप बॉर्डर के ऊपर उसको संभाल लोगे कि नहीं संभाल लोगे, तो हमारे सेना, हम उस समय उन्होंने कहा कि हम संभाल लेंगे, जो सेना के हमारे प्रमुख थे, अंग्रेजों के प्रमुख भी थे, अपने इंटरनल भी थे। तो सरदार पटेल ने चौधरी जी से पूछा कि कितना समय आपको चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे सोमवार को भेजो तो शनिवार को मैं पूना में घुड़सवारी देख सकता हूं, मतलब मुझे 4 से 5 दिन का समय चाहिए। सरदार पटेल ने उनको हरी झंडी दी, 13 सितंबर को 1948 को हमारी सेना ने कार्रवाई करनी शुरू की, 13 सितंबर को जो कार्रवाई करनी शुरू की 17 सितंबर तक रजाकारों को, जब जैसे ही भारतीय सेना सड़क पर निकली, 30,000 की भारतीय सेना वहां पर लगाई गई, तो रजाकार 100 घंटे के अंदर ही ढेर हो गए। वो जो कासिम रिजवी जो कहता था कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे, वो रजाकार 100 घंटे भी भारतीय सेना के सामने ठहर नहीं पाए। कासिम रिजवी को, रजाकारों को पकड़ लिया गया, उनको निजाम को, निजाम ने विलय पत्र के ऊपर साइन कर दिए। और ये जो निजाम था इसकी योजना क्या थी, ये पाकिस्तान के साथ टच में आकर पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए देना चाहता था। जब सरदार पटेल को पता लगा कि पाकिस्तान को यदि 20 करोड़ रुपए हैदराबाद के निजाम से मिल गए तो ये तो कश्मीर को और ज्यादा आसान कर देगा। आपको ध्यान है ना कि गांधी जी ने सत्याग्रह किया था कि पाकिस्तान में शरणार्थियों के पास ऊपर तानने के लिए तंबू भी नहीं है तो उसके लिए 20 करोड़ हम भेजेंगे, तो उस समय 20 करोड़ की रकम बहुत बड़ी रकम होती थी। तो 20 करोड़ गांधी जी ने दबाव देकर भारत की सरकार से पाकिस्तान को दिलवाए थे, तो इधर हैदराबाद का निजाम भी 20 करोड़ देने के लिए तैयार था कि 20 करोड़ मैं इनको दूंगा, तो 20 करोड़ दे दूंगा तो पाकिस्तान का सपोर्ट भी मुझे मिलेगा, पाकिस्तान युद्ध में भी मेरी सहायता करेगा, और इस 20 करोड़ से हथियार खरीदकर पाकिस्तान कश्मीर को और ज्यादा अशांत करने वाला था। लेकिन 100 घंटे के अंदर ही सरदार पटेल ने, भारतीय सेना ने निजाम को घुटनों पर ला दिया। अब उस समय जो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानी सेना है और पाकिस्तानी लोग हैं, जब हैदराबाद में कार्रवाई की गई तो वहां की सेना ने, वहां के लोगों ने, नेताओं ने बात की कि हम क्या कर सकते हैं, तो वहां की सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमारे पास 4 लड़ाकू जहाज थे, 2 तो खराब हैं, 2 लड़ाकू जहाजों को हमने अगर यदि दिल्ली भेज दिया तो वो दिल्ली चले तो जाएंगे लेकिन वापस नहीं आ सकते। पाकिस्तान चुप रहा, एक दिन तक नेहरू जी डरे रहे, बहुत बुरे तरीके से डरे रहे। दूसरे दिन जब पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया और रजाकार
और निजाम की सेना घुटनों पर आ गई तो सबने सरदार पटेल की तारीफ की। अब इसके बाद की विडंबना आप देखिए, अब इसके बाद की विडंबना क्या है, इसके बाद की विडंबना यह है कि जब सरदार पटेल हैदराबाद का विलय होने के कुछ समय बाद जब हैदराबाद में गए और लोगों ने उनका नागरिक अभिनंदन किया तो पद्मजा नायडू और कुछ कांग्रेसी ऐसे नेता रहे जिन्होंने नेहरू जी के कान भर दिए कि जो सरदार पटेल है ये तो बहुत फिजूल खर्ची करते हैं। इन्होंने वहां पर अपना स्वागत समारोह करवाया तो उसमें बहुत फिजूल खर्ची की और नेहरू जी ने सरदार पटेल के ऊपर आरोप लगाया कि आपने तो फिजूल खर्ची की, आपने तो अपना सम्मान करवाया, आपने तो ये किया, आपने तो वो किया। तो सरदार पटेल ने लिखित में उत्तर भिजवाया कि मैं वहां पर गया तो मेरा जो समारोह हुआ उसके ऊपर कुल खर्च 12,000 रुपए भी नहीं हुआ। सरदार पटेल ने जब राजाओं को मिलाया तो राजाओं को विद्रोही नहीं बनाया, प्रेम से उनको सम्मान देते हुए, देश का ध्यान दिलाते हुए, देश हित को आगे रख के उनको मिलवाया और उनको मिलवाते हुए सब कुछ उनका लेने के बाद भी उनको हर जगह उनको सम्मान देते थे, उनका प्रिवी पर्स रखा। क्योंकि उस समय यदि सरदार पटेल बुद्धिमता से काम नहीं लेते तो भारत ये नहीं होता, ना भारत मंगल पर जाता, ना भारत पृथ्वी बनाता, ना ब्रह्मोस बनाता। भारत कोई शक्ति के रूप में नहीं होता, भारत तो टुकड़ों के रूप में होता। कैसे देश, जैसे बांग्लादेश है, जैसे श्रीलंका है, जैसे नेपाल है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में होता। हम कहीं विश्व में खड़े होने की स्थिति में नहीं होते। आज हम जो हैं उसका श्रेय सरदार पटेल को जाता है। और अगर सर नेहरू जी की जगह सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन गए होते तो भारत का नक्शा कुछ और होता। दिसंबर 1950 में 2 साल सरदार पटेल को काम करने के लिए मिले, लगभग 2 से 3 साल। 50 में वो चले गए तो सरदार पटेल को हम नमन करते हैं। जर्मनी को जिसने एक किया उसको आयरन मैन ऑफ जर्मनी कहा जाता है, बिस्मार्क कहा जाता है जर्मनी का। उस बिस्मार्क को श्रेय जाता है कि इसने जर्मनी को यूनाइटेड किया। जर्मनी तो बहुत छोटा है, यदि बिस्मार्क की बात करें तो बिस्मार्क से कम 50 गुना ज्यादा बड़ा कद सरदार पटेल का है। सरदार पटेल का नाम लगातार दबाया गया। आजाद भारत में बहुत बार आरटीआई लगी कि यहां पर जो जयंती मनाई जाती है, जो इश्तहार दिए जाते हैं, जो योजनाओं के नाम लिखे जाते हैं, जो परियोजनाओं के नाम लिखे जाते हैं, जो पुरस्कार बांटे जाते हैं, उसमें गांधी परिवार के नेहरू जी के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर कितने हैं और पटेल के नाम पर कितने हैं। कांग्रेस ने कभी भी पटेल को सम्मान नहीं दिया, पटेल को सदैव एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में उन्होंने देखा। सरदार पटेल सच्चे नेता थे तो आज हम उनको नमन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। आपको यदि ठीक लगा हो कि ये हैदराबाद की मुक्ति की कहानी, सरदार पटेल की गहरी समझ, उनकी दूरदृष्टि, उनकी सांगठनिक, उनका कौशल, उनकी नेतृत्व क्षमता, उनकी सूझबूझ, उनकी चीजों को समझने की शक्ति, और देखो ये जो समय है 1950 का, इसमें हिंद चीन के नारे लग रहे हैं। सरदार पटेल ने 1948 में ही नेहरू जी को बता दिया था कि ये जो चीन है ये तिब्बत को लेगा और इस चीन के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। चीन से भारत को बचाना चाहते हो तो बॉर्डर के ऊपर चौकियां बनाइए, बॉर्डर के ऊपर सड़क बनाइए, बॉर्डर को मजबूत कीजिए। लेकिन नेहरू जी की आंखों के ऊपर चश्मा चढ़ा हुआ था, वो हिंद चीन के भाई भाई के नारे के मोहपाश में बड़े हुए थे। उनकी आंखों से कुछ दूर का दिखाई देता था, गहरी उनकी दृष्टि नहीं थी। सरदार पटेल की दृष्टि बहुत गहरी थी। तो सरदार पटेल को नमन करते हैं। कभी बात करेंगे सरदार पटेल के बारे में जब उनका जन्मदिन या शहादत दिवस होगा, तो कैसा उनका जन्म रहा। आज हैदराबाद मुक्ति दिवस, यद्यपि कल था, कल समय नहीं लग पाया, तो आज हम उनको नमन करते हैं। मुक्ति दिवस की पूरे देश में शुभकामनाएं देते हैं। और राजनीतिक तौर पर अभी ये जो रजाकार हैं, ये रजाकारों के वंशज अभी भी इस देश में हैं। ये जो ओवैसी को आप देखते हैं ये उन्हीं रजाकारों के वंशज हैं। दक्षिण में अभी भी किसी को रजाकार कह दिया जाता है तो ये सबसे बड़ी गाली मानी जाती है। हैदराबाद मुक्ति की बात नहीं की जाती, क्यों? क्योंकि एक विशेष वर्ग नाराज हो जाएगा, हमारे जो शांति प्रिय लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए हैदराबाद मुक्ति की बात कम की जाती है। आर्य समाज के, हिंदू महासभा के, राष्ट्रवादी संस्थाओं के योगदान की बात की कम की जाती है। एक वर्ग नाराज हो जाएगा इसके लिए सरदार पटेल के योगदान की बात कम की जाती है। और निजाम ने 5 टन सोना दान दिया, इसकी झूठी कहानियां वामपंथी, भ्रष्ट और बिकाऊ मीडिया लगातार प्रचारित और प्रसारित करता है। आइए इसका मुंह तोड़ उत्तर दें। आपको और हमें
हम सरदार पटेल नहीं बन सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं, और उस कुछ करने में हम अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार करें, हमारे क्रांतिकारियों का प्रचार प्रसार करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत।